गाइस, इस इन जोशा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं स्वामीनारायण टेंपल छपिया, जहाँ पे स्वामीनारायण जी का जन्म हुआ था। सो यस, लेट्स गो। ओके गाइस, सो अभी हम आए हैं स्वामीनारायण टेंपल और ये अयोध्या जाने के रास्ते में पड़ता है। छपिया नाम की एक जगह है वहाँ पे, एंड यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम अयोध्या के लिए निकलेंगे। बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज द टेंपल। यहाँ पे दो टेंपल है, दोनों आसपास ही हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत बड़े बड़े से टेंपल है। यहाँ पे स्वामीनारायण जी का जो है जन्म हुआ था, जिनका पहला नाम था घनश्याम पांडे, जो कि छपिया यूपी के रहने वाले थे 1781 में। और 7 ईयर्स का पिलग्रिमेज अक्रॉस इंडिया उन्होंने स्टार्ट किया था जब वो 11 साल के थे, और इस जर्नी में उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी किए। इसके बाद वो गुजरात में सेटल हो गए थे अराउंड 1799। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं गुजरात से। जब हम लोग गए थे तो भी बहुत सारे लोग आए हुए थे दर्शन के लिए। और ये है मम्मी, एंड ये है मेरी ब्रदर इन लॉ की बेटी निवी, जो कि खेल रही है आराम से। और यहाँ पे सब हम लोग अयोध्या जाने के लिए निकले थे, बट बीच में हम लोगों ने ये मंदिर के बारे में सुना और हम लोगों ने विजिट किया, और हमें बहुत ही अच्छा लगा ये मंदिर, क्योंकि बहुत ही बड़ा सा है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो टेंपल्स हैं ये सब मार्बल के बने हुए हैं आई थिंक। और ये रेड शर्ट में मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, और रितविन अपनी सिस्टर को ज़बरदस्ती लॉलीपॉप खिला रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे मतलब मौसम भी काफ़ी अच्छा था और हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया नहीं, बट जितना टाइम हमने बिताया वो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और 1800 में स्वामीनारायण जी ने जो है उद्धव संप्रदाय ज्वाइन किया था, और जो उनके गुरु थे स्वामी रामानंद, उन्होंने उनका जो नाम है वो रखा था सहजनंद स्वामी आई थिंक। और 1802 में उनके गुरु ने उन्हें उद्धव संप्रदाय का जो लीडरशिप होता है उन्हें हैंडओवर कर दिया था, और इसके बाद से उन्हें स्वामी नारायण जी के नाम से जाना जाता है। सो इस तरीके से ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। सो अगर आप इस टेंपल के बारे में जानते हैं तो डू लेट मी नो, और नहीं जानते तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यस, इसी तरीके से जो उद्धव संप्रदाय है उनको बाद में स्वामीनारायण संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा। और मंदिर की जो नक्काशी थी, मतलब जो भी डिज़ाइन वगैरह बनाए गए थे वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वीडियो में जितना सुंदर ये मंदिर दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर था। और मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे गुजरात से, तो उनके साथ साथ हम लोगों ने भी भजन कीर्तन टाइप का कुछ हो रहा था, वो हम लोगों ने भी ज्वाइन किया था। सो काफ़ी अच्छा लगा था। और जो मूर्ति है स्वामीनारायण जी की, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही आकर्षक था, कलरफुल एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उस टाइम मंदिर का जो दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ था, तो हमने बिल्कुल सामने से दर्शन किया और बहुत ही सुंदर अच्छा लगा। सो यहाँ पे हम लोग परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की, तो वही हम लोग भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, वो जो पिंक साड़ी में है वो है मेरी मदर इन लॉ, और रेड शर्ट में मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनकी बेटी है उनके गोद में, और रेड साड़ी में उनकी वाइफ है, और ये रहा रितविन। और हम सब इसी तरीके से घूम रहे थे। इसके बाद हमें अयोध्या भी जाना था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और पीछे जो आप येलो शर्ट में देख रहे हैं वो हमारे छोटे देवर हैं, प्रिंस के चाची के बेटे किट्टू, और हम लोग सब आए थे एंड बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे। मंदिर की जो वाइब थी ना वो रियली काफ़ी अच्छी थी, सूदिंग थी, बहुत ही अच्छा लगा। ओके
ओके गाइस, सो यहाँ पे भजन कीर्तन जो भी होता है वो चल रहा है एंड हम लोग भी उसे अटेंड कर पाए थे। ये जो मंदिर है ये अयोध्या से 30-35 किलोमीटर्स दूर है। इनकेस अगर आप अयोध्या आते हैं तो आप पता कर सकते हैं आसपास छपिया जगह के बारे में और इस मंदिर को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकोमोडेशन भी बना हुआ है और आगे और भी ज़्यादा बन रहा है, सारे AC कमरे वगैरह बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सो इनकेस अगर आप बाहर से आते हैं तो यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, जैसे कि गुजरात से लोग अभी आए हुए हैं, हम जब थे तब आए हुए थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ रह भी रहे थे दर्शन के लिए जो बाहर से आए थे। सो इस तरीके से यहाँ एकोमोडेशन वगैरह भी है और मंदिर तो काफ़ी सुंदर है, आप देख ही सकते हैं जो नक्काशी वो कितनी अच्छी की गई है। स्वामी नारायण भगवान जी का जन्म स्थल है जो कि दिल्ली में भी है आई थिंक, बट यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे। सो इन केस आप अयोध्या जाते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। फोटो खींच रही है अभी, रो हाय मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक पोंड सा बना हुआ है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। सो यहाँ पे बैठ के आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। सो हमारे पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें अयोध्या के लिए भी निकलना था और हमने घर से ही 9:30 बजे शुरुआत की थी ट्रिप की। सो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पोंड बना हुआ है और इसमें बहुत सारी मछलियाँ भी थी जो कि साफ साफ दिख रही थी। सो काफ़ी अच्छी प्लेस है, एक दिन के लिए आप जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। सो यस, हम लोगों ने यहाँ पे करीबन 2-3 घंटे बिताया और काफ़ी अच्छा लग रहा था, वाइब जो थी काफ़ी अच्छी थी और बाहर भी इस तरीके का पॉन्ड बना हुआ था ना तो और भी अच्छा लग रहा था। एंड यस, ये रहा टेम्पल। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा दर्शन हो गया है एंड अब हम निकलेंगे अयोध्या के लिए। सो 40 मिनट्स लगेगा अभी। सो लेट्स टेम्पल वगैरह विजिट करने के बाद हम यहाँ पे खा रहे हैं आइसक्रीम। यहाँ पे बहुत सारा कुछ तो नहीं मिल रहा था खाने पीने के लिए, बट छोटी छोटी दुकानें थी, छोटे छोटे ठेले वगैरह लगे हुए थे मूंगफली वगैरह के। सो हम लोगों ने अपना आइसक्रीम इंजॉय किया, उसके बाद हम निकल गए थे अयोध्या के लिए। और यहाँ पे मौसम इस तरीके का था, वहाँ पे हो गई थी बारिश। सो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, से स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय।